में भारतीय बंद का आह्वान किया गया था। सुबह से ही अलग अलग राज्यों में इसका व्यापक असर दिखा। किसानों के समर्थन में आज मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष श्री यशवंत जी, श्री दिनेश सिंह जी व अब्दुल हयात के नेतृत्व में गोरेगांव पूर्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुंबई, किसानों के बारे में सबसे बड़ी चीज आज मोदी सरकार के टीवी चैनल पे गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, बहुत सारे प्रवक्ता आकर के कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। एक समय मोदी ने नारा दिया था, बहुत हुआ महंगाई, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की मोदी सरकार। तो मोदी ने न किसान को बरकरार रखा है, न कामगार को बरकरार रखा है, सबकी कमर तोड़ दिया है। यही मोदी जी बोल रहे थे कि अगर 15 दिन में नोटबंदी का परिणाम सही नहीं हुआ तो चौराहे पर हमको गोली मार दो। आज जो दिन आ गया है कि किसान पूछ रहे हैं मोदी जी आप क्या कर रहे हो, रेलवे बेच दिया, खाजगीकरण कर दिया, अडानी अंबानी के हाथ में डाल दिया, हर सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, कहीं लगाम लगनी चाहिए उनको लगता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। आज यही टुकड़े टुकड़े गैंग कामगारों के और किसानों के हित के लिए लड़ रही है। मोदी को ये नहीं सोचना चाहिए, इतनी ठंडी में हमारे किसान भाइयों को पानी के बौछार कर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं। आज 12 किसान की आत्महत्या हो गई है, ये सबके हत्यारे हैं। और योगी क्या जाने, मोदी योगी जिसको खुद को परिवार नहीं है वो परिवार की परिभाषा क्या समझेंगे। यही मेरा कहना है, मोदी होश में आओ, नई सरकार बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।